अपन दोस्तों मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यानी कि गुणा करने की ट्रिक। देखिए दोस्तों गुणा कैसे करते हैं, प्लस माइनस का गुणा कैसे करते हैं, है ना। इसके लिए थोड़ा बेसिक से आपको सिखा देता हूँ कि बेसिक क्या है, यानी किस ढंग से अपन सीखते हैं। देखिए प्लस का गुणा प्लस गुणित प्लस होगा तो क्या उत्तर आएगा, प्लस आएगा। अगर प्लस का संख्या है और माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। उत्तर काय में आएगा, माइनस में। अगर माइनस की कोई संख्या है अगर माइनस से गुणा करें तो उत्तर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई संख्या प्लस की आपको दिए, किसकी दिए, और आप माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो ये चार ही नियम आप याद रखें। अगर यह कोई माइनस की संख्या है अगर प्लस से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो ये नियम आप अपने दिमाग में रखें कि किस नियम से सवाल हल होगा, और आगे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए देखो पाँच का गुणा सात से करते हैं, पाँच से सात कितना होगा, पैंतीस होगा, लेकिन ये माइनस है और माइनस का गुणा प्लस से करेंगे, यानी कि माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, पैंतीस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह छः का गुणा दो से करेंगे कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा, लेकिन यह क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। फिर बारह का गुणा दो से करेंगे तो कितना होगा, बारह दूनी कितना हो जाएगा, चौबीस हो जाएगा। अब यह माइनस है, यह माइनस है, जब यह माइनस और माइनस हो तो उत्तर क्या आएगा, प्लस में आना चाहिए। तो चार का गुणा सात से करते हैं, चार सौ तो कितना होगा, अट्ठाईस होगा, और ये काय का होगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दस का गुणा पाँच से करते हैं कितना होता है, पचास होता है, लेकिन प्लस का गुणा माइनस से करते हैं, यानी कि प्लस का गुणा माइनस से करें तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, उत्तर किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, बारह का गुणा शून्य में करें तो क्या आएगा, शून्य आएगा। जब आप इतना सब सीख गए हैं तो माइनस सात का गुणा माइनस बारह से करेंगे तो क्या आएगा, ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको कमेंट करेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा आपने इतना सीख लिया है, इसका उत्तर कितना आएगा आप मुझे जरूर भेजें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।